हेलो सब गाइस, आपका स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। तो आज मैं एक गेम प्ले करके आपको क्लासिक बरमूडा में आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां पे आपको या तो स्केटबोर्ड मिलेगा 100% या तो फिर ग्लाइडर। मतलब उस जगह पे दोनों में से एक ना एक तो चीज़ हर बार रहती है, ऐसा हमने पता किया है। तो चलिए बिना देरी लगाए स्टार्ट करते हैं हम आज की एक नई और ये अमेजिंग वीडियो को। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है ना, तो या तो आप अपना इंटरनेट बढ़ा लीजिए या तो भी जियो इंटरनेट ले लीजिए। अगर आप स्टेशन के पास रहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो खर्च का बचेगा, क्योंकि मैं तो स्टेशन के पास नहीं रहता हूँ। पर अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो माफ़ कर देना, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है तो पूजा तो होनी है। ठीक है दोस्तों, अब पूजा हो रही है। वाह, और दोस्तों आपको पता है बहुत आप पूछते हो, बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों सॉरी, तो कुछ लोगों को ही पता है कि एंटी मिसाइल लॉन्चर मिलता कहाँ है। मुझे भी एक बार मिल गया था, वो भी ग्रेवयार्ड के उधर ही मिला। और आपको ना स्केटबोर्ड मिलने का ग्रेवयार्ड पे चांस 95% से 100% है। मतलब उधर मिलने का बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं। ये देखो यहाँ पे लूट भी ज़्यादा है। चलो ये चेक कर लो। अब आप पूछेंगे कौन सी जगह पर चेक कर दिया। अरे कोई और जगह नहीं है, हमारी फेवरेट ग्रेवयार्ड, ये मेरी फेवरेट या मेरी फेवरेट कह सकते हैं। कहाँ गया वो ग्रेवयार्ड वाला घर, मेरा फेवरेट कहाँ है वो मेरे नीचे ही है वो तो। वाओ, इधर सबसे बेस्ट मिलता है लूट, ये आपको मानना ही होगा। घर के ऊपर डायरेक्ट लैंड करोगे तो मरूंगा। नूबड़े ने कुछ तो लूटा ही होगा। आजा बे नूबड़े, आजा आजा, स्टार्टिंग में तुझे मार लेना। भले ले मार खा खा, क्या गन थी। तो आप ये मत ट्राई करना यार, इतनी जल्दी मत मर जाना दोस्तों। इतनी जल्दी मरोगे तो वाट लग जाएगी। तो ये तो एक ट्रायल था। तो चलो मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना चबे लगाए। और दोस्तों एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि ग्रेनाइड की नई स्किन, सर्फर बोर्ड की नई स्किन आपको मिल सकती है। सच बोल रहा हूँ, मिल जाएगी। बस एक काम करो, आपको जितना हो ना उससे उतना बुया टॉफिस कमाओ। तो रुको मैं वीडियो को थोड़ा आपके लिए स्किप कर देता हूँ ताकि आपको बार बार टाइम पास ना देखना पड़े। डायरेक्ट उतरते अपने ग्रेवयार्ड वाले घर पर। तो चलो दोस्तों, सॉरी दोस्तों हमारे यहाँ में बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए हमने ग्रेवयार्ड वाला घर पे उतर चुके हैं, हमारे फेवरेट। और अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ दोस्तों से इग्नोर कर लेना। यार दोस्तों हम जानते हैं हमारी पब्लिक, मतलब हमारी इंडिया और बाकी देशों की पब्लिक इतनी तो समझदार होगी। चलो ढूंढे। वो देखा आप सब ने, इस घर में ना इतनी लूटे कि आप लूटते थक जाओगे। ये देखो बुया टॉफिस, येलो बुया लिखा रहेगा उस पर, वो आपके बहुत काम आएगा जिंदगी में हर बार। ये इन्हेलर दो, इन्हेलर मिल गया। ग्लू वॉल, इस घर में ग्लू वॉल मिलने के भी चांसेस होते, कम से कम एक ना एक ग्लू वॉल तो आपको मिल ही जाएगा आपके यहाँ से निकलने से पहले। तो चलिए हम नीचे भी अच्छे से चेक करते हैं। अभी तो ऊपर ही चेक किया है। वाओ देख रहे हैं आप तो दोस्तों, बैग लेवल 3। ये साइलेंसर मिल गया। ओए ये क्या हो गया, चलो अच्छा खून नहीं गया। ये अगर वहाँ पे नहीं मिला ग्लू वॉल ना, तो या तो अगर ग्लू वॉल मतलब स्केटबोर्ड ना, तो या तो अगर यहाँ पे दोस्तों आपको वो मिल जाए ग्लाइडर, तो मतलब सोच लो कि स्केटबोर्ड ना मिलेगा। स्केटबोर्ड मिलना तो नामुमकिन ही समझ लो आपके लिए। ओ स्केटबोर्ड मिल गया,
आपको कैसे लग रहा है स्केटबोर्ड हमको मिल गया? दोस्तों आपको कैसे लगा स्केटबोर्ड? अब मैंने ओ ग्लाइडर भी है लेकिन स्केटबोर्ड गिर जाएगा। तो एक बैग से जस्ट गिरा लो ना भाऊ। देखा दोस्तों अब मैंने आपके लिए ग्लाइडर ले लो ना प्लीज। दोस्तों मैंने आपको बता दिया ना, ये देखो दो दो इलेक्ट्रिक सर्फर बोर्ड्स। वाह मेरे बैग में एक तो पहले सही है भाऊ। एक बैग गिरा तो उसकी जगह वो ले लेना ग्लाइडर। साइलेंसर भाऊ उसकी जगह ग्लाइडर ले लो। देखो इलेक्ट्रिक सर्फर बोर्ड है मेरे पास, सोच सकते हो। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक सर्फर बोर्ड है तो आप सोच सकते हो कि दोस्तों वाओ क्या लूट मिली है। और दोस्तों अगर आपको कभी कभी नहीं मिलता इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड तो उदास ना होना, क्योंकि आपकी उदासी में हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्फर बोर्ड और ग्लाइडर दोनों में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर दोनों नहीं मिलता है एक चीज तो, गिरा दो ना प्लीज, मुझे ग्लाइडर दिखाओ ना कैसे यूज होता है। ग्लाइडर नहीं रंगेला। तो दोस्तों आपको याद रख लेना एक चीज तो, स्केटबोर्ड ले लो तो अच्छी बात, पर हाँ सबके सामने मत घूमना, बंदे ठोक डालेंगे। ठीक है अब देखो दोस्तों, अब आपको एक वीडियो पे लाइक तो कर देना है, अगर अब तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। देखा मैंने आपको एकदम परफेक्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल गेमर्स ब्रो को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना प्लीज। हाँ रंगेले तो तुम मेन बात कर रहे रे बाबा। ये बाबू एक बार ग्लाइडर कर देना प्लीज ना रंगीला। ग्लाइडर अगले अगले मैच में अगली बार दोस्तों को दिखाएंगे ना ग्लाइडर। ओके दोस्तों अगली वीडियो ये मैच खत्म करेंगे। इंतजार करना, ये देख सकते हैं आप ऑब्जर्वेटरी, इधर भी इलेक्ट्रिक सर्फर बोर्ड मिलने का चांसेस है। इधर चांसेस रहती है हर बार, इधर बहुत सारे चीज़ें मिलने के चांसेस रहते हैं। आपको उधर ना मिले तो इधर आ जाओ, इधर भी मिल जाएगा आपको। मतलब समझ लो कि हर एक इधर मतलब ठूस ठूस के रखा है इन लोगों ने जगह इलेक्ट्रिक सर्फर बोर्ड के लिए। तो कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट में बता देना, लेकिन अभी नहीं, अभी तो गेम प्ले छोड़ के मत जाओ भाई। गेम प्ले चल रहा है इतना अच्छा खासा, उसे छोड़ के जा रहे हो? वाह क्या मिला भाई, मूर्ति बनाते थे इससे। मूर्ति मरते रे बावा रे बावा रे बावा। ये किसका पार्ट है, इसको उड़ा दो भाऊ। जुमांजी। अब दोस्तों आपको याद रख लेना, या तो अगर ऑब्जर्वेटरी ना मिले तो क्लॉक टावर चल जाना। अब मैं तो उतना दूर नहीं जा पाऊँगा ये क्लॉक टावर का। ये देखो क्लॉक टावर यहाँ एकदम मेरे स्टीक सामने है, और क्लॉक टावर पर निशाना बना लिया ये। चलो नहीं इतना तो आसानी से मैं क्लॉक टावर पे पहुँचूंगा नहीं, लेकिन ठीक है। नमस्ते दोस्तों, याद रखना मैं आपके लिए भाग रहा हूँ इतना। स्केटबोर्ड किस दिन काम आएगा रे बाबा, देखना मैं बाहर हूँ एनिमी ज़रूर ढूंढ कर ठोक डालेगा। लेकिन जब तक स्केटबोर्ड है ना दोस्तों हाथों में, तब तक स्केटबोर्ड से थोड़ा स्टाइल मारो यार। प्ले लाइक अ प्रो ब्रो, प्ले लाइक द प्रोस। उसका सीज़न भी चल रहा है अभी, आज शायद से लास्ट डे में मुझे अभी, आज 20 अक्टूबर है, आप जिस दिन देख रहे होंगे तो उस दिन शायद से ख़त्म भी हो गया होगा प्ले लाइक द प्रोस। ट्रीटमेंट गन वाओ। अब आप ऐसे कोई मुझे बताएगा ये ट्रीटमेंट गन क्या करती है? इससे आप हेल्थ अपनी बढ़ा सकते हो इसके। और दोस्तों अगर आपको ना, मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा बेस्ट है वो है, अगर आपको ना अगर लास्ट अगर आपको वो ख़रीदना है समझिए स्टार्टिंग में बॉन फायर वियर वगैरह वगैरह, तो बॉन फायर लेना। इसके पीछे भी एक कारण है, इसमें स्कोप ही नहीं है। अबे कैसे करें, स्कोप ही नहीं है जब स्कोप वाली भाव आपको बताती टॉम पिली गई ये भाड़ में। स्कोप वाली गन लेना जरूर है भाऊ। भाऊ इसे चेक कर सकते बुआ टॉफी, बुआ चीरे भाऊ, बुआ टॉफी बुआ टॉफी बुआ टॉफी भाऊ। आपका प्रो लाइक द प्रो क्यों है? हाँ आपके स्केटबोर्ड को मैं उठा लूँगा। G18 तो चाहिए ही नहीं अभी। हाँ इधर देखे तो क्या क्या है,
यार टॉफी कहाँ गई यार, दूर से टॉफी दिख रही थी। अरे भाव इधर नहीं होगा वो गलत फैमिली हो गई हमारे, शिकार हो गए हम गलत फैमिली का। भाव घर में चले जाना, मजा आएगा। तो दोस्तों मैं तो शायद से क्लॉक टावर के पास जा पाऊँ। अगर आपको मौका मिल रहा है क्लॉक टावर में जाके हीरो बनने का, ये चक 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 को ठोक डालना ब्रोस। मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना है, 3 नुगड़ों को कांटान से ख़त्म करना है। लेकिन अभी नहीं, क्लॉक टावर के पास पहुँचते हो तो अपना स्टाइल सबको दिखाओ यार, क्योंकि और कोई जगह इतना मज़ा आएगा ही नहीं आपको जितना क्लॉक टावर में अपना स्टाइल दिखाने में आएगा। जंपिंग जबैक जंप, ये जंपिंग जबा कभी निकलेगा ही नहीं तो लग रहा है। अभी घुस जा, ए चल चल चल, ए चल, ओ ये क्या हो गया, अब इधर यूज होगा नहीं, इंडोर हूँ अब, यहाँ पे होगा ना। ना 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 जंप जंप, छोड़ो इसको, गन लो, नुबड़ों को आने का इंतजार करो। जाते जाते अगर ये किल नहीं करते और भूया मार लेते, ओ भाई साहब हम आपको बता नहीं सकते, व्हाट अ प्रो इंसान हो गए आप। छुक 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 छुक, कांटाना जैसे, कांटाना जैसे प्रो। ए, ये क्या है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा कांटाना घर के बाहर निकल गया भाई, ये देख सकते हैं, ये देखो भाव इसी से बाहर जी पीछे, इससे किसी को पता चल जाएगा कि आप घर के अंदर हो। देखो थोड़ा पीछे जाके यूज कीजिए, गन नहीं निकल, ओ भाई ये क्या है, क्या है ये, गन निकल आई बाहर, ये कांचना। अब ये सब छोड़ो, बंदों को ढूंढो, सिर्फ 13 बचे हैं हमारे, हमको गिन के 12, अगर हमको गिनते तो 13 बचे, नहीं गिनते तो नहीं गिनते, हमें क्या करना है। हाँ, सिर्फ 11 लोग बच्चे हैं। तुझे लगता है उस घर में कोई होगा, हम लोग सेफ जोन में, मतलब इधर बच के रहना होगा, या तो बंदे आएंगे 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 आएंगे, अरे पक्का आएंगे भाई। ये एक और खुशी की बात, ये बेड़ा आ जाए, ओ मेरा भांडा, मेरा 6 लेवल का हो गया, ये ले, और अब आपका ब्रो इमोट के साथ प्ले लाइक प्रो, प्रो 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 का इमोट है भाव, से 10 लोग जिंदा है, आप आपने भाव करना होगा, भाव यू कैन डू इट, यू कैन बोया कर सकते हो भाव। अरे पता नहीं रंगला, जब अंतिम 10 लोग बनते हैं तब पता नहीं, भाव सिर्फ 9 लोग बनता है, अंतर मन की खिड़की भाव कर ले, चिगर उठा कर हल्ला बोल, क्या हो जाता है हमका, हम एक किल भी ढंग से नहीं कर पाते, सिर्फ 10 मतलब 9 बंदे भाई, 9 बंदे बचे, तो आपने देखा स्केट बोर्ड का क्या फ़ायदा हो गया, फायदा हो गया फ़ायदा। अब चलो ये जो 2 लैंड माइन खरीदे, इसको भंगार में बेच कर थोड़ी आएंगे हम यार, इसका यूज़ कब करें। चलो भाई भंगार वाले, बहुत सिर्फ 8, सिर्फ 8 मतलब ये हम गलत टाइमिंग पे बाहर निकला गए, भाव घर में जाओ डालेगा भाई लोग, भाव कोई तो घर में जाओ प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, रंगीला है भाव, अब आपकी मौत होने वाली है प्लीज भाव, अपनी जान प्यारी से भाग लो घर के अंदर ही, हम पहुँच गए रंगीला, झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ भाव, झुक जाओ, वो कैसे भी हमें करेगा, मैं छो नू पे भाव, आपको तो पता है वो नू प्ले होगा, वो तो होगा बैग से कुछ तो गिराना पड़ेगा रे बाबा, ये गिरा दो, पैर किट क्यों गिराए भाव अपने, अब ये देखो क्या है भाव, ये लैंडमाइन गिरा नहीं, नहीं। ओ लैंडमाइन को सेट कर रहा हूँ, डालो और भागो, डियू डियू सितारों को लगा दिया, भागना का मुरे, अरे भाव कहीं लौट हो जाएगा तो, अरे भागने रहेगा तो मैं यहाँ से जंप मार दूंगा डायरेक्ट नीचे आराम से, बिना खून वेस्ट हुए, तो इस घर में आएगा तो वाट लगे जाएगी उसकी, रे सिर्फ 5 बंदे भाई, अब तो भाई नर्वसनेस, भाव मतलब 4, एक तो आपके पास आने ही वाला है, वही समझ ले रंगीला,
लैंड माइन लगाया है, कोई आने का नाम ना ले रहा दोस्तों। देख सकते हो आप, ये लैंड माइन से लगता मुझे खुद ही कुचल के जाना होगा अपने आप को। अबे कोई तो आ जाओ। अरे भाव आ रहा है, लैंड माइन को फोड़ना पड़ेगा के नहीं भाव छोड़े नहीं आइडिया। इसे अभी ना यूज करेंगे रंगला, जब कुछ चंद दो ही लोग बचे रहेंगे ना तब इसको उधर खड़ा कर दे। पांच लोग जिंदा है। हाँ यार रंगले, अबे कोई आओगे फोटोगे मजा आ जाएगा। नहीं बाबू ऐसा नहीं करना। मेरा ही लैंड माइन भाई, उसका थोड़ी फोड़ूंगा। अच्छा पागल हूँ क्या? तो दोस्तों आप देख सकते कितना टफ मुकाबला है। चलो निकले। नहीं बाबू और पर लैंड माइन से कोई तो मरेगा। लैंड माइन से कोई नहीं मरेगा भाव, सिर्फ चार लो। अरे ड्रॉप गिरा कोई आएगा, यही आएगा भाव। भागो भागो ना ना, भागो भाव, डर लग रहा है। आप जी पाओगे भाव? रहेंगे लड़ा ना ना हमारे को भाव, हमारे को पता कि के करने भाव। वार्निंग है आपको, ब्लू जोन खाना अलग हो रहा है। अबे मैं क्या कह रहा हूँ? ओ यार ये क्या हो रहा है दोस्तों? अगर आपसे अच्छे से कंट्रोल होता है ना भाव, ये लाल जोन है यहाँ पे गन लेके तैयार है हेडशॉट मारने के लिए। हद फक। हाँ भाई ये लाल जोन है, अभी इससे बीमा शक्ति भाव। भाव 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 कोई तो है भाव, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई फायरिंग होने वाली है एकदम तगड़ी वाली। लोअल है क्या? हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आपका नूब ये पैंक वाली फ्लावर आएगा कहाँ से? आ गया आ गया, वो तो मर गया। मर गया? हाँ बोले सामने ही है भाव। सारा बंदे उधर ही छे, सारे दोस्तों सारे बंदे उधर ही मर रहे। चुकलेट आइडिया इस समय सबसे, अरे जो तो इधर ही है, इस समय का सबसे बेस्ट आइडिया ये है। अरे भाव लाओ अपनी आत्मा को। अरे यार आत्मा को अच्छी जगह पे लाओ, आपको क्या लगेगा कि वो टोपर यही होगा ना। अरे आप ही अकेले जीते हो भाव, मतलब सब कुछ यूज करना पड़ेगा अब तो। भाई है कहाँ वो? किधर भी हो घूमना तो पड़ेगा। अगर इधर ही किधर होगा तो उसने इसको देख लिया होगा। पीछे से तो नहीं आ रहा इतना गारंटीड है, ऊपर से भी नहीं आएगा, पीछे से यहाँ से आ सकता है। उसका इतना और नहीं है उसको मुझे भरोसा नहीं। मैं हूँ यार वो तो। ओ देखा दोस्तों आप क्या कर रहे ब्रो, मराएगा क्या? सामने 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 दिखाया जा रहा है, सीजन से अंदर है तो भागना होगा। नहीं भाऊ हेडशॉट मारोगे कि मरोगे बताओ मुझे। अरे भाग गया, अरे भाग गया नूब। अरे भाई पेड़ के पीछे छुप जा, टट्टी करना दिख रहा है? नहीं यहाँ तो नहीं है भाई वो, वो मुझे लग रहा है ऊपर है उस घर में। अरे गोली मार के ब्लू आएगा क्या? अरे पार्ट को गायब कर, पहले पांडे को गायब कर, पांडा भागो चलो जाओ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या टफ मैच चल रहा है, या तो मैं या तो वो। नहीं वही वही है कहाँ पर भाई वो? लेकिन वो बंदा दिख नहीं रहा है, छुपा है भाई। अरे ब्लू जोन खाने आ रहा है। ब्लू जोन से डर नहीं लगता, सांप हारने से लगता है। चलो सामने कहाँ बे? अरे उस साइड दिखा रहा था वो, देखो ऊपर ऊपर लॉक टावर पे के। अबे नूब लीडर नूब है, सामने दिखा रहा है, तू नूब है। मैं नहीं हूँ कुछ भी, मेरी ग्लूअल ग्लूअल खोल खोल ग्लूअल खोल एक और। तो मेडिकल किट लो, ग्लूअल खाओगे ग्लूअल तोड़ रहा हूँ। अरे ग्रेनाइट फेंक दे, वो रखो संभव भाई साहब, हो रहा ये ग्रेनाइट की बारिश कहाँ से कर रहा है?
आए बाहर निकल आए वो समय हेडशॉट खा लो। ओ भाई देखा दोस्तों क्या हार्ड मैच था यार, उस बच्चे का भूया हो गया मेरा लोल हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट बता देना, वैसे आपको इतना तो देखने की ज़रूरत थी नहीं, इतनी बड़ी हो गई ना वीडियो दोस्तों, लेकिन हाँ कमेंट ज़रूर करना। ये अभी 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 रुकिए एक सेकंड, हाँ आपको एक चीज़ दिखाना है यार, जो लोगों ने अंत तक देखा ना अंत तक वो बहुत चालाक, उनका दिन बन गया आज। मेरा गेम प्ले मत देखा, हाँ मेरे गेम प्ले जज मत करना, लेकिन हाँ मैंने आपको जैसा बताया वैसा करना। और ये क्या आ गया, हट एक सेकंड ना दोस्तों, ए बड़े रहो हट, ये जो ऐसे खोपड़े वाला है उसको दबाओ, चेक इन पे दबाओ, नहीं ये मैंने आज सुबह चेक इन किया है, हाँ 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 इसलिए चेक इन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चेक इन पे दबाऊँगा। अब ये नहीं करना, चेक इन करना आपको अगर आपको करेक्ट आ गया 3 रो 15 डायमंड ये ताज, उसका भी हम आपको बता ही देंगे। आप बुया गो पे दबाना है। अब मैंने आज का गेम तो अपना खेल लिया है ठीक है, अगर आपने नहीं खेला तो आपको यहाँ पे फ्री में आज का गेम आता है। ओए ये क्या हो गया, अरे हाँ, और अगर आपके पास बुया कैंडीज हैं तो अच्छा है। तो कैसे लगे आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो के लिए बाय बाय।